देखिए प्रभास की सलाह से काफी घटिया अपडेट आ गई है जो शायद आपको भी न्यूज पसंद ना आए, बट कोई नहीं, मेरा काम है जो गलत हो रहा है उससे भी आपको दिखाना। सो इसलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। तो जैसे कि आप जानते हैं, परसों अचानक से प्रभास के हेटर्स हल्ला मचा दिए थे कि हम्बाले कंपनी कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहा है, उसी से ही अपना कलेक्शन बढ़ा रहा है फिल्म का, जो कि अंत में एकदम फेक साबित हो गया। यहाँ भी प्रभास के हेटर फेल हो गए फिल्म के बारे में निगेटिविटी फैलाने के मामले में। बेचारे उनको कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला कॉर्पोरेट बुकिंग का, इसी कारण ही। बाकी भाई, कॉर्पोरेट बुकिंग का एलिगेशन भले ही झूठा साबित हो गया हो, बट एक जगह सही में हम्बाले कंपनी गलत काम कर रहा है, और वो है फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताना ऑडियंस को। जी हाँ, कई बार हम्बाले कंपनी नकली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खुद ऑफिशियली पोस्ट भेज के दिखा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये पोस्ट हम्बाले कंपनी डे 3 में भेजा था, जब उनके मुताबिक सलार ने 3 दिन में 402 करोड़ कलेक्शन कम्प्लीट कर लिया है, जबकि रियलिटी में वेबसाइट के अनुसार 3 दिन में सलार 325 करोड़ ही कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड मार्केट में, बट ये लोग सीधा 80 करोड़ ज्यादा कलेक्शन दिखा है सलार का। फिर उसके बाद वो लोग 2 दिन तक कुछ भी पोस्ट नहीं किए बॉक्स ऑफिस पर, मगर कल अचानक से डे 6 में बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भेजा गया जिसमें उन्होंने सीधा 500 करोड़ कलेक्शन दिखा दिया है सलार का। मतलब भाई कुछ भी हो रहा है बॉक्स ऑफिस के नाम पर, एकदम बॉक्स ऑफिस का मजाक बना कर रख दिया है हम्बाले कंपनी। इनके हिसाब से सलार 3 दिन में 402 करोड़ कलेक्शन किया और उसके बाद 6 दिन में 500 करोड़ ही कलेक्शन हुआ है। अगर जब सलार सच में 400 करोड़ 3 दिन में कमा लिया था तो आज इस फिल्म का 600 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट ना ही कुछ भी पोस्ट कर देना इनको। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, असलियत में सलार का डे 6 में भी सिर्फ 450 करोड़ ही कलेक्शन हुआ है, ना कि 500 करोड़। देखिए भले कॉर्पोरेट बुकिंग का एलिगेशन गलत हो, बट इस मामले में हम्बाले कंपनी सही में गलत काम कर रहा है। ये लोग पूरा बॉक्स ऑफिस को मैनिपुलेट करके रख दिए हैं। वैसे भाई, इन कनाडा फिल्म मेकर्स की फेक कलेक्शन दिखाने की आदत हो गई है। आपको याद ही होगा कनाडा की कब्जा नाम की एक महा घटिया फिल्म आई थी, बट उन लोगों ने उसका ओपनिंग 10 गुना ज्यादा बढ़ा के दिखाए थे और ऊपर से सक्सेस पार्टी भी हो गई थी फिल्म की, और रियलिटी में पता चला कि फिल्म का टोटल कमाई 10 करोड़ भी नहीं हुआ बॉक्स ऑफिस पर, और इन लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन दिखा दिए थे पिछले साल कब्जा फिल्म का, और अब यही काम हम्बाले कंपनी भी कर रहा है बॉक्स ऑफिस के मामले में। वैसे ये लोग कब्जा जैसा पूरा स्कैम नहीं किए हैं, और सलार कब्जा जैसी घटिया फिल्म नहीं है, इसका कंटेंट ओपी लेवल का है, लेकिन हाँ 50-100 करोड़ कलेक्शन ये लोग फेक दिखा रहे ऑडियंस को। बाकी भाई, आपका क्या विचार है इस मामले के ऊपर हमें जरूर बताना कमेंट में, और साथ में ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।